नमस्ते बच्चों, अब हम थर्ड पार्ट में अपना आगे का लेसन कंटिन्यू करते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सार्थकता और उद्देश्य लिखने के लिए कहा था। अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चरित्र चित्रण आप बच्चों को खुद को लिखना है। ओके, ठीक है, आगे का लेसन देखिए। बेने वादों से घबरा उठे, बेने वादों से कुछ जवाब ना दे सके, श्रीकंठ से सदैव उनका आदर करते थे। सदैव मतलब हमेशा, आदर सम्मान करना भी चाहिए। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया, क्योंकि आज तक श्रीकंठ सिंह कभी इतना गुस्सा नहीं हुए। हमने ऊपर कहा कि उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, लेकिन इतने क्रोधित तो पहली बार देखा। और इसलिए बूढ़ा किसको कहा है, बेने वादों से को अवाक रह गया। ये मेरा बेटा श्रीकंठ सिंह ऐसी बातें कर रहा है, केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। सिर चढ़ाना मतलब उनके लाड़ प्यार करना। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। जब भी उनको पता चलता कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अलग होना चाहते हैं, वहां पर श्रीकंठ से जाते और समझौता कर लेते। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूं, उनके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। शादी के समय मैंने ईश्वर के साथ साक्षी दी थी कि मैं सुख दुख में साथ रहूंगा, और उसके साथ ऐसा बहुत ज्यादा अन्याय और पशु के जैसा व्यवहार अब मैं नहीं सह सकता। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि मैंने लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया, कुछ सजा नहीं दी। अब बेनी माधव सिंह अभी गर्माए काफी बेचैन हुए, अस्वस्थ हुए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चुक हो तो उसके कान पकड़ो, लेकिन डैश 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 क्या हो सकता है, डैश डैश घर छोड़कर जाने की बात मत करो। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। एक स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। आनंदी ने मुझे कहा इसलिए मैं लाल बिहारी को भाई नहीं समझता, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन उसकी जो क्रूरता थी, उसकी जो निर्दयता थी, उसकी जो कठोरता थी कि उसने भाभी पर खड़ाऊ फिक करवा ली, क्या सच क्या गलत उसे नहीं मालूम। अविवेक मतलब क्या सच क्या गलत वो समझा नहीं, और जिसके कारण मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया। अनुचित काम लाल बिहारी ने ही किया था, लेकिन बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। लोगों को तो किसी के घर का मजा देखने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। किसी के घर में झगड़ा होता है तो कान दे देकर सुनते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे घर में भी तो होता रहता है। वैसे उस गांव के लोग इनकी जो नीतिपूर्ण गति थी या इतने अच्छे से रहते थे उस पर जलते थे, लेकिन जब लोगों को सुनाई दिया या समझ में आया या पता चला कि उनके घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कोई ना कोई बहाना बना के लोग वहां आने लगे। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हुए, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। किसी की अच्छाई लोगों को नहीं देखी जाती, अच्छाई देखने से उनको जलन होती, लेकिन जहां ऐसे झगड़े होते उनको बड़ा आनंद होता है, हर्ष मतलब आनंद। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुल आने लगी। वाणियां मतलब बोलना। दो पक्ष कौन से दो पक्ष है इधर, एक लाल बिहारी सिंह की और एक आनंदी की। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे, कुटिल मतलब बुरे मनुष्य, जो इस स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे, ईर्ष्या करते थे, जेलेसी उनको होती थी
इनके घर में झगड़े कैसे नहीं होते, कैसे सब मिलजुल कर रहते। ये जो महानुभाव लोग थे, किनको कहा महानुभाव, ये व्यंग है। महानुभाव मतलब ये जलने वाले लोगों को महानुभाव कहा है। इनकी शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही है। वो यही चाहते थे ना क्या, कि इस घर में झगड़ा हो, घर टूट जाए, कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बीने माधव से पुराने आदमी इन भावों को ताड़ गए। ताड़ जाना, समझ जाना, भाव उनका यहाँ आना, छोटा छोटा रीजन बताना, मतलब वो तो एक बहाना था। उनको तो इस घर की जो अलगा होना है वो सुनना था। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। ताली बजाना मतलब हमारे घर का मजाक उड़ाने का अवसर मैं नहीं दूंगा। तुरंत उन्होंने बोलना बंद, चेंज किया, बदलाव कर दिया। कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। बाहर नहीं हूँ मतलब मैं तुमसे अलग थोड़ी हूँ। तुम्हारा जी जो चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। अगर यही बात श्रीखंड बेनी वालों से ने पहले ही कबूल की होती, स्वीकार की होती, तो शायद वहां पर रुक जाती। उन्होंने पहले बेटे के हिसाब से, लेकिन जब उनको पता चला कि अपने घर का तो मजाक हो रहा है, घर की बेइज्जती हो रही है और लोग उसका मजा ले रहे, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा मजा लोगों को नहीं उड़ाने दूंगा। इसलिए तुरंत उन्होंने अपनी बोली कोमल कर दी ताकि बच्चे का क्रोध शांत हो जाए। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को नहीं समझ सका। बहुत सीधा साधा था कौन, सेकंड ईयर। पिताजी ने बात को क्यों पलटा, ये बेचारा सीधा इंसान नहीं समझ पाया। उसे तो डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर, मतलब उन्होंने बात को क्यों पलटा, इस बात की खबर श्रीखंड सिंह को नहीं थी। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी, क्या मतलब था, स्वार्थ कि नहीं बेटा घर से अलग ना हो और घर का मजाक ना हो, वह उसकी समझ में नहीं आया। लेकिन वह बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, पुचकारा मतलब प्यार से कहा कि बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। इसका मतलब बुद्धिमान कौन और मूर्ख कौन, बुद्धिमान श्रीखंड सिंह और मूर्ख लाल बिहारी, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा कर। श्रीखंड सिंह को आवेश आ गया, आवेश, जोश, गुस्सा, बोले उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। उसने जो बुरा काम किया है मैं कभी भी नहीं भूल सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभालूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी संभालूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहें जहां चाहे चला जाए। बस मेरा यह अंतिम निश्चय। ये सारी बातें लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा सुन रहा था। वह श्रीखंड के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पीले या पान खाले ऐसा कभी नहीं करता था। वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर करता था, जितना वो अपने पिता का भी नहीं करता। बाप का भी वो लिहाज न करता जितना बड़े भाई का करता था। लिहाज करना मतलब सम्मान करना। श्रीखंड भी उस पर बहुत प्यार करता था, श्रीखंड का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, हार्दिक दिल से स्नेह प्यार। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था, मतलब डांटा भी नहीं था। घुड़कना मतलब डांटना। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते, इतना वो अपने छोटे भाई से प्यार करते थे। मुग्धर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। मुग्धर एक कसरत करने का एक साधन है। पिछले साल जब उसने अपने ढोड़े जवान को, ढोड़ा मतलब अपने से भी तगड़ा, नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया, जैसे मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें लिखा था कि उसको कुश्ती खेलना बहुत पसंद था,
तो उस कुश्ती में वो सामने वालों को उसने पछाड़ दिया, पछाड़ देना हरा देना। तो उन्होंने पुलकित होकर बड़े खुश हो गए कि वाह मेरा भाई जीत गया, मेरे भाई ने उससे भी ज्यादा ढोड़े जवान को हरा दिया। पुलकित होना, खुश होना, आनंदित होना। उन्होंने अखाड़े में जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए। 5 रुपए के पैसे लुटाए मतलब, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं ना तो हम ऐसा करते हैं, आप बोलेंगे 5 पैसे क्या बहुत बड़ी बात थी 5 पैसे। हमारे जमाने मतलब मेरे जमाने में 5 पैसे बहुत कीमती थे, तो फिर ये तो बहुत पहले का, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसे 5 पैसे हमने ऐसे ही यूज किए। जैसे आप बच्चों का रिसेस होता है तो आप 10 10 20 20 रुपए का पैकेट लेते हैं, हम 1 रुपए की गोली लेते थे और वो सब मिलके था, इतनी 1 पैसे की कीमत। ऐसे भाई के मुंह से, कैसा भाई कि जो छोटे भाई से बहुत प्यार करता है, हार्दिक स्नेह था। कैसे पता चला? 2 पॉइंट। नंबर 1, जब भी वो इलाहाबाद से आते कुछ ना कुछ सामान लाते, मुग्धर की जोड़ी उन्होंने लाई, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जब वो अखाड़े में जीत गए तो बहुत खुश हो गए, अखाड़े में ही गए, गले लगाया और 5 रुपए लुटाए। इससे पता चलता है दोनों भाई का हार्दिक स्नेह। लेकिन भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात, कौन सी बात हृदय विदारक? कि मैं लाल बिहारी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। ये बात सुनकर उसे ग्लानी हुई, ग्लानी मतलब पछतावा। वह फूट फूट कर रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा, उसको अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। इसमें संदेह नहीं कि वो अपने किए पर वह पछता रहा था, डर गया था। जब भाई भाई के आने के 1 दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी, क्यों? मैं भाई के सामने कैसे जाऊंगा, मैं भाई को कैसे मुंह दिखाऊंगा, भाई क्या रिएक्ट करेगा, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। इतना लिहाज वो अपने बड़े भाई का करता था कि मेरे हाथ से गलती तो होगी, मैं उनके सामने आंख कैसे उठा कर देगा। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, लेकिन हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया, बहुत कठोर बन गए थे कि नहीं, इस घर में या तो लाल बिहारी रहेगा या तो मैं, दोनों इस घर में अब नहीं रह सकते और मैं लाल बिहारी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, कड़ी बातें गुस्से की बातें, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। लेकिन किस बात से दुख हुआ? कि मैं भाई का मुंह तक नहीं देखूंगा। अब लाल बिहारी को बहुत ग्लानी हुई, उसको बहुत रोना आया। वो रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने आके पहुंची, जिससे किसी को पता न चले कि उसको रोना आया है। इसके उपरांत इसके बाद वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे, अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा, उसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया, रोने जैसी अवस्था लाल बिहारी की हुई। वो भी नहीं चाहता था कि मैं इस घर से अलग हो जाऊं। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह आंखें लाल की भाव से आए, आंखें लाल किए और गुस्से से। भाई ने देखा तो घृणा से आगे फिर, घृणा मतलब नफरत, और कतरा कर निकल गए, मानो उसके सामने भी नहीं जाना चाहते, उसकी परछाई भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। अब आनंदी को भी बहुत पछतावा कि मैंने लाल बिहारी की शिकायत श्रीकंठ सिंह से क्यों की, मुझे क्या पता कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब वह मन में पछता रहे थे कि मैंने शिकायत क्यों की, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी, क्यों इतना गुस्सा होते, क्यों लाल बिहारी को माफ नहीं कर देते, क्यों इतना गर्म होते हैं।
जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना, क्या कह रहा था लाल बिहारी कि मैं जाता हूँ अब भाई, मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, ऐसा लाल बिहारी ने कहा। और ये सुनने के बाद आनंदी का जो क्रोध था लाल बिहारी के प्रति, वो सारा क्रोध पानी पानी हो गया, मतलब चला गया। वह रोने लगी, मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है ना, हमने जो गलती की है उसका पछतावा करने के लिए स्त्रियों के पास रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। श्रीकंद को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं, भीतर बुला लो, मेरी जिब में आग लगे, मैंने कहां से झगड़ा उठाया, क्यों मैंने लाल बिहारी की शिकायत की, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, बहुत पछतावा हो रहा है। और मनुष्य जब अपने गलती का पछतावा करता है तो हमें बड़े मन से उसे माफ करना चाहिए, ऐसा आनंदी सोचती है, कहीं ऐसा ना हो कि वह चल दे। श्रीकंठ सिंह न उठे, इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, देखो कितना आदर, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा, लेकिन कह देना मैं उसको प्रणाम करता हूं। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा, शीघ्रता से मतलब तुरंत। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया, किसका, लाल बिहारी का। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो, कहां जा रहे हो, कहां जाना चाहता है लाल बिहारी, क्या कहा बड़े भाई ने कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, इसलिए लाल बिहारी कहां जा रहे हैं, जहां कोई मेरा मुंह न देखे, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं, ऐसा लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना, ये सौगंध बहुत बड़ा काम कर देती है, जैसे आप कोई सीरियल देखते होंगे, कोई मूवी देखते होंगे, कुछ अनबन हो जाता है माँ बेटे को, बेटे माँ को, किसी को भी, तुम्हें मेरी सौगंध, बस वो उसी जगह पर सिर खड़ा हो जाता है, सेम परिस्थिति, एक पग भी आगे ना बढ़ाना, मतलब एक पद भी, एक चरण भी आगे नहीं बढ़ाओगे, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। हाँ, अगर भैया ने मुझे कहा कि हाँ चलो मैंने लाल बिहारी को माफ कर दिया, तो मैं इस घर में रहूंगा, वरना नहीं। अब ये सुनकर श्रीखंड तो वैसे बड़े दिल वाले थे, उनका हृदय भी पिघला, हृदय पिघलना दया आना, उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। आखिर खून का खिंचाव था, खून का रिश्ता ऐसा नहीं टूटता इतने जल्दी, दोनों भाई खूब 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 कर रहे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, सिसकते हुए ऐसे रोने की आवाज, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, हंसते हंसते, लेकिन आप कभी आपके मुंह से ऐसा नहीं कहना कि मैं आपका मुंह नहीं देखना चाहता। श्रीखंड ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू क्या से कहा लाल बिहारी को, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। कौन सी बातों, कि हमारे दोनों में कुछ अनबन हुई थी, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा, बेने माधो बाहर गए हुए थे, जब वो बाहर से आए क्या सीन देखा, क्या नजारा देखा, कि दोनों भाइयों को गले मिलते देखा, और ये दृश्य देखने के बाद बेनी माधव सिंह पुलकित हो उठे, बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि मैं इन लोगों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा, सचमुच उन्होंने नहीं दिया, बल्कि इस घर को कैसे संभाला, और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है, कैसी, आनंदी जैसी, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है, पारिवारिक स्नेह और सामंजस्य, ये दोनों
विशेष गुण उसने बखूबी से निभाए और बिगड़ती हुई बात को संभाल लिया, जो मैंने आपको शीर्षक की सार्थकता में भी कहा। क्या कहा? बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। कौन सा बिगड़ता हुआ काम? घर से अलग होना। और क्या काम बना लिया? कि हम इसके बाद सारे एक साथ रहेंगे और ईश्वर चाहे तो ऐसा अवसर कभी हमारी फैमिली पर नहीं आएगा। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, पहले जब लोगों ने सुना बड़े खुश हो गए, कुछ न कुछ बहाना बना के वहां आने लगे उनका झगड़ा सुनने के लिए। लेकिन जब पता चला कि आनंदी ने घर को टूटने से बचा लिया, वृत्तांत सुना, वृत्तांत हकीकत वास्तविकता, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। उसी ने उन स्त्रियों ने कि जिन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ था जब वो अलग हो रहे थे, लेकिन आनंदी की उदारता को, उदारता मतलब उसका भोला मन, उसका सच्चा मन, उसका बड़ा दिल था, इसीलिए तो उसने लाल बिहारी को माफ कर दिया और अपने को पति को भी समझाया कि रोको, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चल दे और कुछ अनर्थ हो जाए। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। सराहना प्रशंसा करना, तारीफ करना। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, कैसी? जो टूटते हुए घर को बचा लेती है। इस घर को बचाने के लिए वो अपने अहम का त्याग करती है। अहम मतलब अपना खुद का प्राउड, खुद का गर्व त्याग कर देते हैं, लेकिन बिगड़ते हुए परिवार को, अलग होने वाले परिवार को टूटने से बचा लेते हैं। इसलिए आनंदी को कहा है बड़े घर की बेटी, जो कभी भी टूटते हुए परिवार को बचा लेती है। यहाँ पर अपना पाठ कंप्लीट हुआ। अब मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया, फिर मैंने आपको सार्थकता लिखाई, मैंने आपको उद्देश्य लिखाया, लेसन की स्टोरी आपको पूरी समझ में आई। लेसन एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको अंडरलाइन कहा था, ये उसका चरित्र है, ये उसका चरित्र है। अब नेक्स्ट पीरियड में आप बच्चे खुद 5 चरित्र लिख कर लाएंगे। 5 पात्र तो है ही उसमें, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताए हैं। बेनी माधव सिंह, 2 बेटे श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी, श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी और उनके पिता श्री भूप सिंह। लेसन समझ में आया होगा? ओके, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तब आप चरित्र चित्रण लिख कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।